Welcome students, class 12th business studies, chapter number 5 organizing, part number 6 diagram of functional structure. पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फंक्शनल स्ट्रक्चर के पूरे मीनिंग में. इस वीडियो में बात करेंगे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के डायग्राम की. फंक्शनल स्ट्रक्चर का डायग्राम किस तरीके से डिफाइन करा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डायग्राम. इसमें बता रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले आते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे पहले आते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर वो बेसिकली डायरेक्टर होते हैं जो पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने मैनेजर्स होते हैं उनको संभालते हैं, उन डिपार्टमेंट को एक करते हैं, उनके फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको मैनेज एंड ओन करते हैं. वो मैनेजिंग डायरेक्टर इस तरीके से कहलाते हैं. ये मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या है? इन मैनेजिंग डायरेक्टर का काम है जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन ऑर्गेनाइजेशन को देखना, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, रिलेटेड टू परचेस डिपार्टमेंट हो, सब जितने भी स्पेशलाइज फंक्शन हैं उनको डिफाइन करना. अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो एक डायग्राम एक एग्जांपल के रूप में देखा जा सकता है. एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास चार डिपार्टमेंट है. यहाँ पे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एक परचेस डिपार्टमेंट है. चार तरीके के डिपार्टमेंट है. इन चार तरीके के डिपार्टमेंट में इन्होंने चार तरीके से बांट रखा है फंक्शंस. प्रोडक्शन फंक्शन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. प्रोडक्शन में कौन कौन सी बात आ जाएगी? जैसे प्रोसेसिंग करना. प्रोसेसिंग का मतलब किसी चीज़ को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग करना. वर्क इन प्रोग्रेस जिसे कहा जाता है. क्वालिटी कंट्रोल करना, अगर कोई चीज़ बनी है तो उसकी क्वालिटी देखना. रिपेयर मेंटेनेंस करना, कोई चीज़ ख़राब हो या कोई चीज़ मेंटेन करनी, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती है. बात की जाए मार्केटिंग डिपार्टमेंट की. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस और रिसर्च, ये चार डिपार्टमेंट आते हैं. मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैसे एडवर्टाइजिंग करना प्रोडक्ट का, सेल करना प्रोडक्ट को, कस्टमर को सर्विस देना जैसे होम डिलीवरी, गारंटी, वारंटी सर्विस एक्सेट्रा, और रिसर्च करना कि जो मार्केट सर्वे करना, मार्केट प्लानिंग करना, मार्केट कम्युनिकेशन करना, ये मार्केटिंग में आ जाता है. इसके बाद बात करते हैं फाइनेंस की. फाइनेंस में कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमने कैपिटल लगाया वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ पे हमने पैसा लगाया, किस तरीके से पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिल सके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल सके, तो यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में देखा जाता है. फाइनेंस प्लानिंग, फाइनेंस प्लानिंग में आ जाएगा. फाइनेंस प्लानिंग में क्या है, जितना पैसा लगाया उसकी प्लानिंग करना प्रॉपर वे में, ये फाइनेंस प्लानिंग में आ जाएगा. आखिरी डिपार्टमेंट जैसे बताया गया इसमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. परचेस का काम क्या है, खरीदना, जो रॉ मटेरियल को खरीदना, परचेस इनपुट को खरीदना, रिकॉर्ड मशीनरी को खरीदना, परचेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये परचेस डिपार्टमेंट में आता है. तो बेसिकली चार तरीके के डिपार्टमेंट है. एक एग्जांपल दे रखा है, इस तरीके से फंक्शन होते हैं वो हर डिपार्टमेंट के बटे होते हैं. ऐसी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मार्केटिंग फंक्शन हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट का फाइनेंस फंक्शन हो गया, और परचेस मैनेजमेंट का परचेस फंक्शन हो गया. इस तरीके से सेल्स ऐसे भी अलग अलग और भी होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम बना के यहाँ पे शो करा गया है, जैसे बताया गया क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं. पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फंक्शन भी होता है, इसी तरीके से क्लासिफाइड भी होता है. जैसे द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टोर डिपार्टमेंट, इसको स्टोर डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, असेंबली डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं. और हर डिपार्टमेंट के अंदर हर सब डिपार्टमेंट बनते हैं, इसमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप वर्किंग का सिस्टमेटिकली डिफाइन होता है. तो इस वीडियो में हमने बात करी फंक्शनल स्ट्रक्चर के डायग्राम की. थैंक यू.